Hey guys, myself Devansh here. Welcome back to another gameplay video. And this time it's 22811 भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो कि वाया आद्रा चलती है. So guys, आज का देखो सीन कुछ ऐसा है. यार राजधानी कौन नहीं चलाना चाहेगा, पहले तो मुझे ये बताओ. और एक मालगाड़ी भुवनेश्वर को मेन लाइन से स्किप कर रही है और न्यू तिनसुकिया से बैंगलोर के लिए चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अराइव कर रही है. तो भाई देखो आज का ना सीन बहुत ही बढ़िया होने वाला है. और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमको ना दो वेब 7 दिए गए हैं. तो भाई सोच सकते हो 6000 + 6000 मतलब कुछ अराउंड 12,500 की ये हॉर्स पावर हमारे पास है. वैक 12 की जितनी ये पावर दी गई है हमें, यार एक मालगाड़ी की जितनी मतलब पावर रहती है ना उतनी एक राजधानी के लिए मिली है. तो सोच सकते हो क्या ही मज़ा आने वाला है. तो अभी तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी भुवनेश्वर राजधानी की रेक लगवा दी गई है. एक डीजल लोकोमोटिव उसे लेकर गया था. तो भाई चलते हैं आगे, अपनी रेक को कपल करेंगे. और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जो साइड में लाइन है ना, ये ट्रैक है, उसका सिग्नल यहाँ पर येलो हो रखा है. जो डीजल इंजन इसको शंट करके गया था ना, वो आई थिंक अब रिवर्स करके पीछे आ रहा होगा. और यहाँ पर आप देख सकते हो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन बहुत ही शानदार हमारे अनिमेक भाई ने दर्शाया है. उससे पहले भाई मैं यहाँ पे ब्रेक्स को अप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि जस्ट आगे ना मेरी रेक है. मुझे पता है इसमें CBC कपलिंग है, LHB पूरी रेक है, राजधानी है. तो भाई पहले एक काम करते हैं, आगे चलते हैं. बहुत ही शानदार यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी रेक खड़ी हुई है. तो भाई वेब 7 पहले तो तुम्हारे ब्रेक्स में पूरे रिलीज़ करता हूँ. तो चलो भाई अब वेब 7 को हल्की हल्की स्पीड में पीछे लाते हैं. ज़्यादा रफ्तार नहीं रखेंगे, 1 से 2 किलोमीटर/आवर की ही हम स्पीड यहाँ पर मेंटेन करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो 1.3 अभी हमारी स्पीड हो रखी है, 1.4 हो चुकी है. तो भाई वेब 7 अब तुम इसको ज़ीरो कर सकते हो. भाई ब्रेक्स को अप्लाई करो. सो गाइस देख सकते हो बहुत ही शानदार यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है कपल हो चुकी है. F9 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख जाता है कि मेरी जो पीछे है वो रेक कनेक्ट हो चुकी है. प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यार देख सकते हो कोई गाड़ी खड़ी हुई थी ना LHB वैफ 4 के साथ. आसनसोल शेड का वैफ 4 आई थिंक इसे दिया गया था, उसका यार यहाँ से ना डिपार्चर हो चुका है. देखो 10:33 हो रहा है, 35 मिनट पे राजधानी का डिपार्चर है. अब मुझे नहीं पता ये लोग राजधानी की भाई मेंटेनेंस कैसे करेंगे, प्रायोरिटी कैसे मेंटेन करेंगे, देखते हैं. हमें तो भाई अपनी राजधानी को चलाने से मतलब है, अच्छी प्रायोरिटी मिलेगी, अच्छे से शेड्यूल हम मेंटेन कर पाएंगे. तो अभी तो भाई देखो इस कैब में हो तो इस कैब में रहकर तो मैं इसे ऑपरेट नहीं करूँगा. पेंटोग्राफ को मैं डाउन करता हूँ. यार ये पेंटोग्राफ वाला बटन नहीं है, ये वाला है. तुम यार लोको पायलट होके गलत गलत बटन दबा रहे हो, ऐसा तो मतलब एग्जांपल मत दो ऑडियंस को. कोई बात नहीं गाइस, इतनी छोटी मोटी मिस्टेक होती है. देख सकते हो भाई पेंटो डाउन हो चुका है. आगे वाले वेब 7 में चलते हैं, रिवर्सर न्यूट्रल पे डालता हूँ. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हम आगे वाले वेब 7 में आ चुके हैं. थोड़ा सा अगर मैं बाहर आता हूँ ना भाई, भुवनेश्वर का मॉर्निंग ट्रैफिक आप देखो, बहुत ही प्यारा यार यहाँ पे ना मतलब दृश्य देखने के लिए मिल जाता है. कभी कभी ना यार मेरी हिंदी इतनी डीप वाली होती है कि मज़ा आ जाता है. देखो हाई कैपेसिटी पार्सल वैन रेक मेन लाइन से स्किप कर रही है भुवनेश्वर को. उसके पीछे से एक थर्ड लाइन पर मालगाड़ी आ जाती है. बरांग करके एक रेलवे स्टेशन है, न्यू भुवनेश्वर के आगे ही पड़ता है. वहाँ से आई थिंक खुर्दा रोड तक ट्रिपल लाइन जो है बनी गई है. थर्ड लाइन पे भी ट्रैफिक मिलेगा और मेन लाइन जो कि बीच में रहती है उस पे भी ऑन कमिंग ट्रैफिक तो हमें मिलेगा ही मिलेगा. तो चलो अपनी राजधानी को रेडी करता हूँ इससे पहले कि स्टार्टर दे दिया जाए. क्या फ़ायदा स्टार्टर दे दिया और राजधानी तैयार नहीं होगी निकलने के लिए, तो भाई अनाउंसमेंट हो जाएगी जो कि सही बात नहीं होगी. वेब 7 के भाई पेंटो ऊपर टच हो चुके हैं. इस की को 3 सेकंड के लिए दबाना होता है तभी जो पावर है वो प्रॉपरली हमारे जो वेब 7 है पूरे उसमें फैल जाती है अच्छे से. अगर 1 सेकंड के लिए दबाओगे तो वो भाई वो हरी जो लाइट जलती है ना, ग्रीन लाइट, वो ठीक से ऑपरेट नहीं होगी, वो वापस से रेड हो जाएगी कि तुम्हें 3 सेकंड के लिए मुझे दबाना पड़ेगा. तो भाई देखो राजधानी हमारी गाइस यहाँ पर रेडी हो चुकी है, बट अभी जो लोको पायलट है वो अपने कैमरा एंगल्स और रेडी कर लेता है. पीछे देख सकते हो एक हाई कैपेसिटी पार्सल वैन का एक कोच भी लगा के दिया है, ब्लू EOG यहाँ पर, जो कि नॉर्मल आप देखोगे भुवनेश्वर राजधानी के साथ देखने के लिए मिल जाता है भारतीय रेलवे के अंदर. वही आज हमारे गेम प्ले में भी देखने मिलेगा. और भाई वेब 7 तुम्हारा देखो स्टार्टर यहाँ दे दिया गया है. राजधानी के तुम ही क्रू हो, तुम लोको नहीं हो, तुम पूरे क्रू हो. तो भाई हॉर्न बजाते हैं बहुत ही बढ़िया वाला, एक थोड़ा सा लंबा हॉर्न बजाऊँगा मैं 36:30 तक.
दूसरा भी भाई यहाँ पे बजा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ से डिपार्ट करने में। 35 का अगर डिपार्चर टाइम है ना तो 37 पे निकल जाते हैं अगर हमें थोड़ा सा लेट भी स्टार्टर दिया गया है। आई नो मेरा एडवांस स्टार्टर के आगे, देखो मैं बोल ही रहा था इतने में सिग्नल मिल गया। तो चलो भाई वैप 7, अरे यार तुम्हारा मैंने रिवर्सर फॉरवर्ड में नहीं लगाया, किसी को मत बताना कि ऐसा भी कुछ सीन हुआ था हमारे साथ। 10% की गाइस थ्रॉटल पावर लगाएंगे, राजधानी है, बहुत ही प्यारा एक्सेलरेशन यहाँ से हम अपने दो वैप 7 के साथ करने वाले हैं। देखते हैं भाई आज कैसा मज़ा मिलेगा, परफॉर्मेंस आउटपुट देखते हैं क्या ही बढ़िया वाला देते हैं वैप 7। क्या कहते हो, गतिमान को ये ब्रेक कर पाएंगे? मतलब गतिमान तो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं यार आज क्या ही तबाही मचेगी। डिपार्चर गाइस हमारे वैप 7 ने यहाँ से कर दिया है और भाई बहुत ही प्यारा हॉर्न बजा के किया है, क्योंकि यार देखो आज की जो वीडियो है ना उसमें मैंने ट्रैक साउंड्स पे तो इतना वो वर्क नहीं किया है, पुराना मेरा जो था वही मैंने रहने दिया, बट हॉर्न्स को मैंने थोड़ा अपडेट किया है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, बहुत ही प्यारा अपने अनिमेक भाई ने दर्शा रखा है। रूट हमारा आज का है द ईस्ट कोस्ट रेलवे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ना न्यू तिनसुकिया से बैंगलोर वाली गाड़ी खड़ी है, देखो 22502 जिसका नंबर है। और भाई यहाँ पर थोड़ी सी मैं पावर को डाउन कर लूँगा, 6% की थ्रॉटल पावर यहाँ पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि यार देखो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है ना राजधानी, ज़्यादा स्पीड कैच कर लूँगा तो वो भी सही बात नहीं होगी। अब मेन लाइन का कहीं पर रुकी होती गाड़ी तो भगा सकते थे डिपार्चर टाइम पर। अच्छा ये देखो यार कोई गाड़ी है ICF पुराने अवतार में, और ये स्किप कर रही है क्या यार भुवनेश्वर को? ओ भाई ये देखो कोई EMD के साथ, आई थिंक ये WDG4 है ओरिजिनल कैब वाला, इस ICF गाड़ी को स्किप करवा रहा है यार भुवनेश्वर। आई थिंक गाइस कहीं जा रही होगी, शायद खुर्दा रोड तक जा रही होगी, वरना यार भुवनेश्वर कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों को रुकाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेन भुवनेश्वर को स्किप करती होगी, तो अगर ये कर रही है तो ये डेफिनेटली कोई मेन लाइन सर्विस तो नहीं है, और मेन लाइन से मेरा मतलब मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट तो नहीं होगी। और चलते हैं भाई अपने कैब व्यू में, देखते हैं आज का क्या ही शानदार दृश्य हमें देखने के लिए मिलेगा। और आज का ना डेफिनेटली भाई स्पीडोमीटर तो मेरा सही ही है, थोड़ा सा बाहर अपना सर निकालता हूँ यार, अंदर से थोड़ा सा डल सा दिखता है गेम प्ले। बहुत ही शानदार गाइस यहाँ पे हमें ट्रैक चेंज करते हुए अपनी गाड़ी दिख जाती है। मैं थोड़ा ये वाला कैमरा एंगल करता हूँ और आगे से देख सकते हो थर्ड लाइन की कोई मालगाड़ी आ रही है, और भाई पीछे देखोगे तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का यार्ड देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी बड़ा यार्ड है। और यार एक चीज़ पता है जो मुझे समझ नहीं आती, ये देखो जैसे कि रूट क्रिएटर ने बहुत ही शानदार वर्क यहाँ पर हमें दिया है, बट यार स्टेटिक्स जो ये ट्रेन खड़ी हुई उन्होंने दिखाई है ना, ये भी हमें गेम में मतलब एक्टिविटी एडिटर में अगर आप जाओगे तो ट्रैक्स दिख जाती हैं। अब कोई भी अगर क्रिएटर है नॉर्मली एक्ट बनाता है तो वो शायद इन पटरियों पर भी अपनी पसंदीदा ट्रेन खड़ी कर सकता है, तो अब उसे पता कैसे चलेगा कि यार उसके ऊपर रूट क्रिएटर ने स्टेटिक ट्रेन्स लगाई हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाती है। तो भाई बाय बाय करते हैं भुवनेश्वर को, और यहाँ देख सकते हो भाई क्या ही बढ़िया तरीके से बाहर आई है ना गाड़ी, देखो कहाँ प्लेटफॉर्म 1 था और कहाँ मेन लाइन पर ट्रेन, पूरा एस तो इतना ज़्यादा बनाया ना, 3-4 एस बना चुकी है ये। तो थर्ड लाइन की मालगाड़ी को बाय बाय करते हुए आगे बढ़ते हैं, 30 की अभी भी लिमिट में है गाड़ी, तो भाई भगा मैं नहीं सकता हूँ। और भुवनेश्वर आप देख सकते हो सिटी बहुत ही प्यारी बैकग्राउंड में अपने, यार भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आता है ना, अब सोचो अगर ओडिशा का कैपिटल ही भुवनेश्वर हुआ, एक्चुअली मैं भूल चुका हूँ इसका कैपिटल था क्या यार, ये तुम बताना मेरे को। एनीवेज आई नो मेरी GK इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो चलो थोड़ी सी यहाँ पे पावर लगाते हैं, बाय बाय करते हैं भुवनेश्वर को, डेफिनेटली 80 की लिमिट हमें मिलने वाली है। भुवनेश्वर से जैसे ही निकलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्व देखने मिल जाता है, और यहाँ देखो ये भी एक थोड़ी सी यार्ड का ही हिस्सा समझो, ये जो पटरी यहाँ पे बिछी हुई है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके ऊपर भी ना क्रिएटर ने स्टेटिक जो है ऑब्जेक्ट्स लगा रखे हैं, ये असली में कोई ट्रेन नहीं खड़ी है, ये स्टेटिक ऑब्जेक्ट है पूरा। अगर मैं इस पटरी पे जाऊं तो मैं जा सकता हूं और मेरा कोई भी डीरेलमेंट नहीं होगा। तो भाई 80 की लिमिट मिल चुकी है, राजधानी के लोको पायलट बात ज़रा कम करो, पावर यहाँ पर लगाओ
और डिपार्चर बहुत ही बढ़िया वाला दिखा दो। आई मीन डिपार्चर तो हो चुका है बट भुवनेश्वर का अभी ये शहर चल ही रहा होगा आउटस्कर्ट से। तो यहाँ से भाई बताओ भुवनेश्वर वासियों को कि तुम्हारी राजधानी जो कि सुबह को चलती है नई दिल्ली के लिए, आद्रा से होके जाने वाली है आज वाली, वो निकल चुकी है। तो भाई अगर तुमने टिकट कराया होगा, आई एम सॉरी अगर तुम नहीं बैठ पाए। एक तो राजधानी का थर्ड एसी का भी टिकट ना सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। अच्छा ये देखो क्रिएटर ने हमें यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी दिखाया है। मैं गाड़ी नहीं रुकूंगा भाई कि तुम्हें भूख लग रही है तो मैकडोनल्ड पे रुकवा लूँ थोड़ी देर। वैसे सोचो यार यहाँ पे भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में होम सिग्नल पे गाड़ी रुकती होगी, बाजू में ही मैकडोनल्ड्स है, लोग तो यहीं पे उतर के सीधा मैकडोनल्ड के अंदर और पेल दिया जो खाना है उनको। सही है यार ये भी। अब जो रूट क्रिएटर हैं उन्होंने तो दिखाया है गाइस मैकडोनल्ड, अब मुझे नहीं पता असली में होगा या नहीं, बट अगर उन्होंने दिखाया है तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि इस रूट में ज़्यादातर आप देखोगे तो रेप्लिका ही बनाया गया है रियल लाइफ का। आगे गाइस आ जाता है वनी विहार रेलवे स्टेशन, जिसको अराउंड 70 की स्पीड हम क्रॉस करने वाले हैं। अभी भी जो हमारी ट्रेन है वो स्पीड अचीव कर ही रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड लाइन से कोई मालगाड़ी जा रही है जिस पे लगा हुआ है कोई बैग नहीं। और भाई वनी विहार को बहुत ही प्यारी रफ्तार में यहाँ पे क्रॉस करते हुए, हॉकिंग बहुत ही प्यारी हुई, पूरा प्रोसीड सिग्नल दे रखा है, हरा हो रखा है भाई सिग्नल भी मेन लाइन का स्टार्टर। तो चलो यार अब ना अपने दरवाजे पे चलते हैं, नॉर्मल जो मेरा पैसेंजर व्यू रहता है। तो गाइस थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ और ट्रैक साइड पे चलते हैं यार। ट्रैक साइड पे रहेंगे ना तो जितनी भी ऑनकमिंग ट्रैफिक है हमारा वो हमें दिखता रहेगा कि कौन सी गाड़ी आगे से आ रही है, क्योंकि भाई देखो ट्रैफिक अपनी वीडियोस में इम्पॉर्टेंट होता है। जब ट्रेनें जाती हैं ना साउंड करके हॉर्न बजा के क्रॉस करके और 100 की रफ्तार पे हो तो और भी बढ़िया लगता है। चलो यहाँ पे 100 की रफ्तार वो छोड़ो, हमें अचीव करनी है 100 की लिमिट यहाँ पे दे दी गई है। तो राजधानी के लिए नो कंजूसी भाई, पावर लगाओ भगाओ। दो वैब 7 किस लिए दिए गए हैं? मे बी गाइस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हो सकता है, वो इस गेम में। असली में इस गाड़ी को सिंगल वैब 7 ही जाता होगा, कभी कभी ऑफ लिंक भी लग जाता होगा। वैसे गाइस इस ट्रेन को यार रेगुलर लिंक क्या है मुझे ये ध्यान में नहीं है, आज तो गाज़ियाबाद के दो वैब 7 मिले हैं। गाड़ी आई थिंक ये ECOR की है, द ईस्ट कोस्ट रेलवे की, तो डेफिनेटली सांतरागाछी मिलता होगा या फिर टाटा मिलता होगा। भाई आगे से कोई गाड़ी आ जाती है, कोई LHB गाड़ी है 22811, तो यार मेरा नंबर है ट्रेन का, ये राजधानी थोड़ी है, इसमें तो स्लीपर कोच लगे पड़े हैं। यार क्या पता आने वाली राजधानी में हमें स्लीपर कोच भी देखने के लिए मिल जाए। वैसे तो रेलवे ज़्यादातर ट्रेन से स्लीपर हटा ही रहा है, तो ये चीज़ तो पता नहीं मुझे एक्सपेक्ट करनी चाहिए या नहीं। और आगे गए जा रहे हैं मंचेश्वर रेलवे स्टेशन। अगर आप देखोगे भुवनेश्वर से निकलते ही ये स्टेशन आ जाता है, आई थिंक थर्ड स्टेशन है ये, दूसरा तो वो वनी विहार था। थोड़ी बढ़िया वाली हॉकिंग कर देते हैं, क्योंकि ये भी यार देखो बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी आप देखोगे तो यार्ड बना रखा है। तो भुवनेश्वर भी आपको पता है बड़ा स्टेशन है, वहाँ से अगर राजधानी ओरिजिनेट हो रही है तो यार वहाँ से कितनी ट्रेन्स रोज़ाना चलती होंगी और आके ख़त्म होती होगी, उनकी जो शेड्यूल होता है डेस्टिनेशन कितनी ट्रेन्स का भुवनेश्वर होता होगा। तो डेफिनेटली भाई उसका यार्ड अगर छोटा है तो ये आउटर में ना ऐसे स्टेशन बन जाते हैं उनके लिए, कुछ बड़े रेलवे स्टेशन का लोड कम करने के लिए। तो अब वहाँ अगर यार्ड में जगह नहीं है ना किसी रेक के लिए, उसको डेफिनेटली मंचेश्वर की लूप लाइन में, सॉरी लूप कह रहा हूँ, यार्ड में लाके खड़ा करवाया जाता होगा। और यहाँ पर आउटर में आपको देखो गुड्स की अनलोडिंग लाइन मिल जाती है, जहाँ पर कोई BCN रेक खड़ी है अभी। हम तो भाई अपना 98 की स्पीड पर क्रूज़ करेंगे मज़े से। थोड़ी सी मैं और पावर देता हूँ यहाँ पर। और इस राजधानी के लिए भुवनेश्वर से निकलते ही अराउंड 25-30 किलोमीटर के अंडर में ही एक रेलवे स्टेशन का स्टॉप मिल जाता है इसको, जो कि है कटक जंक्शन। आगे से कोई ट्रेन आती है, कोई मालगाड़ी है, थर्ड लाइन पे आप ज़्यादातर देखोगे मालगाड़ी ही दिखेंगी आपको। और भाई अगर कोई मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट लग जाती है ना थर्ड लाइन पर तो ज़्यादातर उसके लिए बुरा ही होता है। अब देखो अगर मालगाड़ी के लिए थर्ड लाइन यूज़ की जा रही है तो डेफिनेटली उस पर मालगाड़ी भागेगी तो नहीं अच्छे से, उसकी भी स्पीड थोड़ी मिनिमम ही रहेगी, 70 पे चल सकती है, 80 पे चल सकती है। एक बार के लिए ICF अगर ट्रेन भी है कोई मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट
तो वो भाई एक बार के लिए 110 करेगी, तो पूरा 30 किलोमीटर पर आवर का गैप आ जाता है। तो अच्छा है भाई अपनी राजधानी ये मेन लाइन पर चल रही है, आते टाइम अगर भुवनेश्वर हम जा रहे होते ना, मैं भाई इतना खुराफाती हूँ थर्ड लाइन पर दलवा सकता था एक बार के लिए राजधानी को, मेन लाइन से एकदम ना ताबड़तोड़ वाले ओवरटेक दे देता। अच्छा ये देखो कोई रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है पटिया, अच्छा PH इस पर लिखा है। मैं काफ़ी वीडियोस में ये पूछता रहता हूँ आप सभी से, PH का मीनिंग क्या होता है, ये डिनोट क्या करता है? तो अब मुझे याद है इसका मीनिंग होता है पैसेंजर हॉल्ट। तो कुछ जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं उनको ना यहाँ पर हॉल्ट लेना ही होता है, कंपलसरी होता है, मतलब ऐसा भी नहीं है रात के टाइम पे वो स्किप कर सकती हैं इनको शायद, मैंने ऐसा देखा है। अगर कोई रेलवे स्टेशन थोड़ा जंगल में है और सिंगल लाइन होगा तो आप ज़्यादातर देखना वो स्किप हो जाएगा भले ही कोई पैसेंजर गाड़ी हो, क्योंकि थोड़ा अनसेफ हो जाता है ना यार पैसेंजर्स के लिए भी, रेलवेज़ को भी पता है इतनी रात को जंगल में कौन उतरेगा, तो वो ऐसी जगह पर रिस्क नहीं लेता है। अच्छा आगे कोई फाटक है तो भाई हॉर्न बजा के जाते हैं बढ़िया वाला। यार जहाँ तक देख रहे हो डबल वेब 7 अपनी बहुत ही प्यारी पावर के साथ इस राजधानी को लेकर जा रहा है, और रही बात सीनरी की तो भाई नो डाउट बहुत ही प्यारी सीनरी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। द ईस्ट कोस्ट रेलवे आपको पता ही होगा, ये आई थिंक मैं कह सकता हूँ मेरा नंबर 1 पे ना फेवरेट रूट हो रखा है, और ये नहीं कहूँगा कि सेकंड पे खानदेश है, इसी के साथ खानदेश है। इसका हावड़ा वाला अपडेट आ रखा है, ये मैं अभी हावड़ा वाले अपडेट में ही राजधानी को ऑपरेट कर रहा हूँ। आगे से कोई गाड़ी आ रही है भाई, फुल टू हॉकिंग चाहिए यार मेरे को, हम भी हॉकिंग करेंगे ये भी हॉकिंग करेगी, ओह हो गजब भाई अल्को का एक्शन, अल्को मतलब एल्को गाइस WDM 3A, असली में तो भाई मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, वो है ना एक मीम अब मिलता ही नहीं है, अब वही सीन हो रखा है भाई एल्को के लिए। रेल फैंस तरस जाते हैं किसी गाड़ी के साथ, अगर 100-200 किलोमीटर दूर भी अगर आ रहा होगा ना रेल फैन, जो कि बाय हार्ट है यार उसका अभी भी पैशन चल रहा है, वो एक बार के लिए चला जाएगा उसे कैप्चर करने के लिए। और भाई अगर तुम ट्रेन्स के दीवाने हो तब तो तुम सही जगह पर हो, एंजॉय करो यार। अच्छा आगे ना यार भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आ रहा है, अब तुम कहोगे दो भुवनेश्वर, ये गाइस न्यू रेलवे स्टेशन है, भुवनेश्वर मतलब न्यू भुवनेश्वर है। टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे ना इस रूट में इस चीज़ को देखने से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि रियल लाइफ में भी ना ये चीज़ एग्जिस्ट करती है भुवनेश्वर न्यू जैसी, ये यार रूट में मैंने देखा अच्छा ऐसा भी कोई रेलवे स्टेशन है, भुवनेश्वर का भी एक सेकंड वर्जन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ भी बढ़िया वाला एक्शन हो रखा है। अच्छा ये देख रहे हो ये जो ट्रेन हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ी है, अब तुम कहोगे यहाँ पे भाई तुमने स्पीड क्यों गिराई, यार रूट क्रिएटर ने ना इसके आउटर पर देखो जो ट्रैक है वो बहुत मोड़ रखा है, और मुझे ना अजीब सी ही फीलिंग आती है गेम में अगर मैं ऐसी ट्रैक पर बहुत ही हाई स्पीड पर जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। ये देखो अभी जो मेरी ट्रेन है वो 60 के अराउंड इसे क्रॉस कर रही है, तो इतना ऑड नहीं लग रहा, यहीं पर अगर मैं 100 के अबव जाऊँ ना, 110 की लिमिट मेरे को दे रखी है, क्योंकि मेरे को बहुत ऑड लगता है यार ड्राइविंग में। एक तो भाई इतने प्यारे हॉर्न्स यार मिल रखे हैं आज, और ट्रैफिक देख सकते हो, ये वेब 4 याद है स्टार्टिंग में हमें मिला था आसनसोल का वेब 4, तो इसको बाय बाय करते हैं, आगे हमारी 80 की लिमिट आएगी, उससे पहले थोड़ी सी क्या मैं स्पीड बढ़ाऊं? यार छोड़ो फिर ब्रेक लगाने पड़ेंगे और ऐसा अच्छा नहीं होता ना, तो आपके इंजन के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो आपका 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो। हमारी वेब 7 में कितने हैं, 6 और 6 12, फिर वो चाहे आपका 12-व्हीलर हो, एकदम से पावर बढ़ाओगे रोकोगे बढ़ाओगे रोकोगे सही नहीं होता है, गाड़ी में करोगे तो क्लच प्लेट घिसती है भाई, अब ये मत कहना ऑटोमेटिक गाड़ी है हमारे पास। सो गाइस बरांग रेलवे स्टेशन आगे आ चुका है, यहाँ पर आप देखो ये जो थर्ड लाइन है ना एकदम राइट हैंड साइड वाली वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, यार सीरियसली ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना मेरे को असली ज़िंदगी में विटनेस करना है, एक बार तो मैं डेफिनेटली भुवनेश्वर जाऊँगा ही जाऊँगा। अच्छा यहाँ देखो यार कोई गाड़ी आ जाती है आगे से, ओ भाई मेरे व्हील्स को कुछ हो गया था। ये देखो गाइस ICF AC ट्रेन है भाई, बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक्शन हो रखा है, तो वेब 7 तू हॉर्न बजा के चल। ओ भाई ऊपर देखो गजब एक्शन है भाई, BTPN फ्रेट ट्रेन है ऊपर से जा रही है, बरांग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 होगा, भाई क्या एक्शन हो रखा है यार यहाँ पे देखो, अरे यार यहाँ से नहीं दिख रहा, चलो यहाँ से विटनेस करेंगे।
और ट्रेन की स्पीड भी बहुत ही प्यारी है, एक्सीड नहीं हो रही है देखो 80। भाई यहाँ पे कुछ था यार एक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आई थिंक वो ICFAC जा रही थी, ऊपर 4 से मालगाड़ी जा रही थी। थोड़ी सी अगर वो ICFAC पीछे होती, कह सकते हो पैरेलल रेस हो रही है, वैसे तो हो ही रही है। कोई रेल फैन इसको कैप्चर करे यार। अच्छा ये देखो यहाँ पे फ्रेट कोई पार को रखी है BLC, और ऊपर देख रहे हो ये जो थर्ड लाइन है कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाती है। अब यार ये सेक्शन कौन सा है गाइस, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। ये देखो यार, ये हमजा भाई के मॉडल्स को ना कुछ दिक्कत होती है यार कभी कभी, मतलब जहाँ पर भी आप देखोगे ये OHE वायर को, जो मैंने समझाया था ना पिछली वीडियोज़ में बताया है, तो मैं अब नहीं बताऊँगा, मैं थक जाता हूँ यार बात रिपीट कर करके। चलो 110 की लिमिट मिल रखी है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, अब तो बढ़ा सकता हूँ स्पीड। तो Web7 भाई स्पीड बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, हॉर्न बजाओ, चलो एकदम आगे भागते हैं। कटक जंक्शन 10 किलोमीटर ही बाकी है, 11:01 का अराइवल हमें दिया गया है शेड्यूल, टाइम हो रहा है 10:55 होने वाला है, मतलब 6 मिनट बाकी है और 9.5 किलोमीटर कवर करना है। पता नहीं यार होगा या नहीं, क्योंकि आगे 80 की लिमिट आ रही है। और यहाँ पर अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आपको तो पता होगा कि जो कटक जंक्शन है ना उसके आगे गाइस एक नदी आती है जिसका नाम महानदी है शायद। भाई बहुत ही विशालकाय नदी है, और अगर बारिश के टाइम पे उस नदी को तुम ट्रेन में बैठ के क्रॉस कर रहे हो ना भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना बढ़िया वाला सीन मिलेगा तुम्हें देखने को। तो भाई चलो यहाँ पर थ्रॉटल पावर को डाउन करते हैं, 10% पर छोड़ देते हैं, ज़्यादा ना घटेगी ना बढ़ेगी स्पीड, देख सकते हो डाउन हो रही है बट ज़्यादा नहीं हो रही है। ये है कि Web7 के अंदर दोनों में एक पावर आउटपुट है, दोनों से 10% निकल रहा है तो हो जाता है 20%। थोड़ा सा यार कैमरा एंगल को पीछे करूँ क्या, तुम सभी को जो है ना ट्रैक साउंड भी थोड़ा बढ़िया वाली आएगी, फिर आगे रहूँगा तो यार ट्रैक साउंड ना थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पर रहूँगा तो हॉर्न भी सुन सकते हो बहुत ही प्यारा बजेगा, उसकी भी आवाज़ आएगी। और भाई 80 की लिमिट थोड़ी पास में आ रही है, तो पहले तो ब्रेक्स को अप्लाई करता हूँ और थ्रॉटल को कम करता हूँ। आई थिंक मेरी ट्रेन ना 80 की लिमिट में चली जाएगी बट मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो ट्रेन के ब्रेक्स को अप्लाई करके, और देखो भाई बहुत ही प्यारी स्पीड हमने यहाँ पर मेंटेन करी। यहाँ पर गाइस देख सकते हो बहुत ही शानदार वाला कर्व हमारी ट्रेन यहाँ पे मेंटेन कर रही है। भाई सीरियसली बहुत ही प्यारा सीनरी वर्क हुआ यार। अगर ट्रेन के हम अंदर चलते हैं, अभी तो यार कर्व पे है ना तो कैमरा थोड़ा इधर उधर भाग जाता है, अभी देखना जब ब्रिज को मैं अंदर बैठ के क्रॉस करूँगा, तुम सच में कहोगे भाई क्या मज़ा आया है। अरे क्या बात है, पीछे देखो एक मंदिर भी बना रखा है अपने अनिमेक भाई ने, तो कमेंट में लिखो यार जय श्री राम। अच्छा आगे से आई थिंक कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है भाई ब्रिज के ऊपर क्रॉसिंग, अरे ताबड़तोड़ मेंटेन किया है भाई शेड्यूल, देख सकते हो वो हो भाई मज़ा आता है मुझे ऐसी चीज़ों में, कसम से ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना खुद पर गर्व महसूस होता है, आज मैंने इस तरह से ट्रेन चलाई है। देखो भाई ये चीज़ तो असली ज़िंदगी में भी मज़ा देती हैं। चलो अब मस्ती ठीक है, थोड़ी पावर को डाउन करता हूँ और इधर दिखाता हूँ भाई सीन, देखो यार क्रिएटर ने कितना बढ़िया बनाया है। अब पता है इस रूट क्रिएटर से, जो इसके रूट क्रिएटर हैं उनसे ना मेरे को यार NCR की एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ एनिमेक भाई NCR बना दो यार आप। अगर नई दिल्ली से प्रयागराज तक का बन गया ना, या कानपुर तक खींच दो, वही हमारे लिए बड़ी बात होगी। देख रहे थे यार क्या व्यू मिला है ब्रिज को क्रॉस करने का, देखो मतलब जो ब्रिज यहाँ पे, ये ना थोड़ा बहुत ही बड़ी बड़ी नदी है, आई थिंक ये जितना भी है थोड़ा कोस्टल एरिया के अंडर में आता है। अच्छा आगे कोई MEMU ट्रेन खड़ी है, और रेलवे स्टेशन है गोपालपुर बलीकुटा। अच्छा बलीकुटा तो क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट गोपालपुर करके नाम है। थ्रॉटल पावर को गाइस थोड़ा सा डाउन करता हूँ, और MEMU ट्रेन देख सकते हो लूप कर रखी है यहाँ पे प्लेटफॉर्म लाइन पे। भाई व्यू कहोगे यार देवांश भाई आज की वीडियो में व्यू मिला है बढ़िया वाला। रेलवे स्टेशन का नाम भी काफ़ी प्यारा है गोपालपुर। कटक हमारा गाइस 4 किलोमीटर बाकी है, आगे 60 का कॉशन आ रहा है, तो स्पीड को यहाँ पर डाउन करेंगे। आगे भी कोई नदी आ रही है यार, देखो ब्रिज बना हुआ है,
अब पता नहीं ये नदी क्या है या पता नहीं किस चीज़ का है, देखते हैं उसके ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा। तो गाइस देख सकते हो, मुझे यार सीरियसली नहीं पता कि ये कौन सी नदी होगी, बट अभी हम किसी ब्रिज के ऊपर हैं और भाई व्यू तो ताबड़तोड़ हो रखा है। सीरियसली यार अब मुझे बहुत मज़ा आता है इस रूट को खेलने में, इसलिए ज़्यादातर देखोगे खानदेश से ज़्यादा मेरी इस रूट की वीडियोस हो रही हैं, क्योंकि यार खानदेश में ना जितना भी मैंने सेक्शन पे ट्रेन चलाई है अब ज़्यादातर ओल्ड हो चुके हैं। पुणे वाला यार अपडेट आ नहीं रहा। वैसे मैं MSTS कम्युनिटी से काफ़ी टाइम से ऑफ भी हो रखा हूँ, तो पता नहीं यार पुणे वाला अपडेट आया है या नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो लेना पड़ेगा यार, क्योंकि पुणे वासियों को भी उनकी शहर दिखानी है भाई, कैसी बनाई गई है गेम के अंदर। यहाँ पर भुवनेश्वर वासियों ने देखा, कटक तो आगे आ ही रहा है, इतना बढ़िया यहाँ पर रेलवे स्टेशन अभी आगे देखने मिलेगा। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर गाइस देखोगे ना ये ब्रिज हमने क्रॉस किया है तो थोड़ा सा आगे आके ट्रेन हमारी ढलान पर जा रही है, तो थ्रॉटल पावर मैं पूरी डाउन कर दूंगा और भाई पेंटोग्राफ को डाउन करूंगा अभी, और वो क्यों अभी देखना। ये जो यार ब्रिज आ रहा है ना आगे, जो रूट क्रिएटर ने बनाया है ये थोड़ा ऊंचा बना रखा है। अब देखो पेंटोग्राफ को मैंने डाउन किया, ओ भाई बहुत ही बढ़िया टाइम पर डाउन हुआ है, तो वो अड़ा नहीं ब्रिज पे। तो ऐसी चीज़ अगर कोई लोगो पैलेट देखता है, क्रू देखता है, तो वो ऑब्वियसली अपना पेंटोग्राफ एकदम डाउन कर देगा अगर उसे ऑब्स्टेकल दिखेगा जिससे उसके पेंटोग्राफ पे चोट पहुंच सकती है। तो भाई कह सकते हैं न्यूट्रल जोन पे अपनी गाड़ी जा रही थी, अभी मैं इसको थोड़ा सा पावर देता हूँ। वैप 7 को चलती गाड़ी को मैं छोड़ रखा है अभी बिना पावर के, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो भाई कथा जोड़ी रेलवे स्टेशन था, ये भी कोई पैसेंजर हॉल था। होम सिग्नल को भाई क्रॉस करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी ना यहाँ पे पावर को डाउन करते हैं, पावर तो खैर डाउन ही है, स्पीड को कम करते हैं। देखो कटक पे अराइव करते वक्त बाहर हमें ये बहुत ही बढ़िया सा ब्रिज देखने मिलता है। कटक से बिलोंग करते हो, रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हो, जाता ही होगा यार, कितना ट्रैवल करते हैं लोग का भी, किसी नानी के घर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, तो ये सब तो देखने मिलता ही होगा। तो बताओ यार ऐसा ब्रिज है क्या, बताना ज़रूर अगर है तो। थोड़ी सी यहाँ पे थ्रॉटल लगाता हूँ, मतलब बढ़ाता हूँ, आगे 30 की लिमिट आ रही है तो उसे मेंटेन करूँगा। और कटक जंक्शन भी गाइस थोड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है, पता है जो बड़े रेलवे स्टेशन है उस पर मैंने ट्रैफिक कम ही रखा है। एक तो यार इतनी सारी सीनरी हो जाती है रेंडर करने के लिए मेरे PC के लिए, और अभी तो मैं इसे अपग्रेड करूँगा बट थोड़ा टाइम बाद करूँगा, और उससे मेरा मतलब है थोड़ा 2-3 महीने के बाद। और जब करूँगा भाई RTX सीरीज़ पे पहुँचूँगा सीधे, 30 सीरीज़ तो मुझे बिल्ड करना ही करना है, तो तब देखेंगे कि क्या बढ़िया वाला FPS हमें देखने मिलता है। एनीवेज अभी भी मेरा जो करंटली है 1060 वो कम नहीं है भाई, ये आप देख सकते हो अच्छा खासा FPS मेंटेन कर रहा है, बहुत डाउन जा रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया। चलो ये देखो कोई मालगाड़ी डिपार्ट कर रही है कटक जंक्शन से, और ये किसी प्लेटफॉर्म से निकल रही है क्या, यार्ड से निकलना चाहिए यार मालगाड़ी को, मेन लाइन पर स्टॉप लिया था। चलो ठीक है, अभी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे राजधानी का अराइवल है, उसे इंजॉय करूँ। यार 3 मिनट पर डिपार्चर था 11 बजे और मैं अराइव कर रहा हूँ उस टाइम पे, तो वैप 7 थोड़ा सा भागा भाई, अब वो भी कहेगा भाई 30 की लिमिट है, 26 पे जा रहा हूँ और कितना करूँ। प्लेटफॉर्म में अराइवल हो रहा है अपना, ज़्यादा स्पीड भी नहीं दे सकता यार इसको। अच्छा ये देखो यहाँ वायर ना बहुत सारी थी जो कनेक्ट हो रही थी, उसी के नीचे आके हमजा भाई के मॉडल्स को ना लकवा मार जाता है, इसलिए उनके जो व्हील्स होते हैं वो डांसिंग करने लगते हैं अपने ही अलग। तो चलो भाई अराइवल अपना हो चुका है कटक जंक्शन पर, अपना वैप 7 तो भाई प्लेटफॉर्म को टच कर चुका है, ट्रेन भी थोड़ा हल्का हल्का करती जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई गाड़ी खड़ी करवा रखी है, मुझे नहीं पता कौन सी है, ICF गाड़ी है। अपने पैसेंजर व्यू पर चलते हैं और ये व्यू देखो यार, कोई कह देगा यार ओपन रेल से ये, मतलब अभी के टाइम में तुम्हें इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने मिल रही हैं, रूट्स आ रहे हैं इतने हाईली डिटेल वाले, और मॉडल्स तो भाई मतलब कहर मचा रहे हैं, फिर चाहे वो अपने वरुण गणेश भाई के हो, हमजा भाई के हो, या जो टीम व्हीट्सअप प्रोडक्शन के भी जो मॉडल्स हैं वो भी काफ़ी प्यारे हो रखे हैं, अभी डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी हो रखी है। बस उनके यार मॉडल में ना एक चीज़ का मुझे इशू लगता है, उनके जो मॉडल्स होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं यार, अब वो ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर रेसिज्म नहीं फैला रहा हूँ, बट ये चीज़ मैंने थोड़ा महसूस करी है उनके मॉडल्स में। अब चलो मेरी प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस यहाँ पे देखो क्लियर होने वाला है, तो मैं हल्के हल्के ब्रेक्स यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करता हूँ। वैप 7 भाई SPED मत करना, वैसे तो आई नो तुम नहीं करोगे,
तो चलो भाई, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस क्लियर हो चुका है, राजधानी को यहाँ पर स्टॉप देते हैं। तो गाइस, कटक जंक्शन से जिसका भी टिकट था आगे जाने का, बैठो भाई, तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। कोई गाड़ी आ रही है यार, वो देखो मेन लाइन पर कोई मालगाड़ी अप्रोच कर रही है, मतलब अप्रोच नहीं, सॉरी, आ रखी है। ये रोकेगा या निकाल देगा? आई थिंक अभी इनका ना ट्रैफिक फ्लो में है भाई। देखो मेन लाइन पर गाड़ी ले ली, वो भी मालगाड़ी, यार्ड में लगानी चाहिए थी। अब भाई कंट्रोलर जाने और उसके साथ ही जाने, हम नहीं जानते, हमें यहाँ से सिग्नल दो। कितने पर मैंने अराइव किया? 5:26 पे। चलो ठीक है, 6:26 पे डिपार्ट कर देंगे। 2 मिनट का जो है टाइम दिया गया होता है शेड्यूल, बट ट्रेन लेट है, राजधानी है, तो 1-1.5 मिनट के अंदर निकल सकती है। यार ये क्या बात हुई। अब गाइस देखो यार, शेड्यूल मेरा पूरा हो चुका है जो गेम ने दिया अपनी तरफ से। 1 मिनट का टाइम में मैं आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जा सकते हो। बट सिग्नल क्लियर होके नहीं दे रहा भाई। कंट्रोलर नहीं सुधरेगा, राजधानी को लेट करेगा। अब ये जिस भी अगले जोन को हैंडओवर देगा ना, ये डिवीज़न को या जोन को, और भाई उन पे दिक्कत आ जाती है कि गाड़ी अगर हमें पहले से ही लेट मिली, अब उसे हम ऑन टाइम कैसे कर सकते हैं? हमें भी तो भाई अपना जो मेन सेक्शन है उनको भी तो ठीक से चलाना है ना। तुम्हारी एक गाड़ी के लिए बाकी गाड़ियों को हम लूप पे नहीं लगाएंगे। तो ऐसा भी रहता है कुछ जोन्स में, इनकी भी आपस में ना रंजिश चलती है भाई, तुम लोगों को पता नहीं है। तुम भाई खामखा ना हिंदी सीरियल्स देख रही हो, सबसे ज़्यादा रंजिश इन चीज़ों में चलती है। इन चीज़ों को जाके थोड़ा देखो, मज़ा आएगा। अच्छा भाई, तुम क्यों राजधानी को डिपार्ट करवा रहे हो? हॉर्न तुमने नहीं बजाया, तुमने व्यूअर्स को बताया नहीं कि तुम्हारी गाड़ी निकल रही है। कोई कुछ खरीद रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, गाड़ी डिपार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। तो चलो एक और हॉर्न बजाऊंगा और डिपार्ट कर दूंगा। अच्छा एक चीज़ यार, तुम देखो साइडिंग्स हैं बहुत सारी हैं कटक जंक्शन पे। साइडिंग को मुझे नहीं पता भाई, जो क्रिएटर हैं उन्होंने सूडिंग क्यों लिखा है? ये SU क्यों है? और एक में नहीं है, सब में है। आप देखो कटक जंक्शन सूडिंग 3214, ये आई थिंक कुछ उनसे मिस्टेक हुई है और ये थोड़ी फनी हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता यार, इतना बड़ा रूट वो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है। तो इस चीज़ के लिए एक लाइक बनता है अपने अनिमिक भाई के लिए, थोड़ा सा इस चीज़ को फिक्स होना है। और यार पता है, ये एक्टिविटी जब मैंने बनाई थी इस रूट के अंदर, एक रेलवे स्टेशन पर 10 की स्पीड लिमिट थी पूरी मेन लाइन पे। भाई सोचो, असली में ना ये स्पीड हमें नॉर्मल लगती है, ट्रेन इजीली जा सकती है। इन गेम में ट्रेनों को बहुत टाइम लग जाता है, 10 का अगर कॉशन ऑर्डर है और वो भी लंबा वाला, तो उसे स्किप करने में ना रेलवे स्टेशन को पूरा कम से कम 10-15 मिनट लगा सकती है। अब भाई असली ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है ट्रेनों की, मतलब पीछे लाइन नहीं लगेगी। इस गेम में मेरे लग गई थी जब मैं टेस्ट रन कर रहा था इस एक्टिविटी का। अच्छा ये देखो 22699 WAF4, कौन सी शेड का यार? शेड कौन सी है इसकी? गाजियाबाद है शायद। अच्छा किसी ICF गाड़ी के साथ देख सकते हो, खड़ा हुआ है। पता है इस एक्टिविटी का मैं टेस्ट रन कर रहा था, उस रेलवे स्टेशन को 10 के कॉशन ऑर्डर पर एक मालगाड़ी क्रॉस कर रही है। मैंने कहा यार बड़ी कम स्पीड में जा रही है ये, उसके पीछे देखा ना, एक सिग्नल पे दूसरी गाड़ी, उसके पीछे सिग्नल पे तीसरी गाड़ी, उसके पीछे सिग्नल पे चौथी, ऐसे करके भाई 15-20 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी हर सिग्नल के पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो ऐसा गेम के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, 10 का कॉशन ऑर्डर आप दे ही नहीं सकते हो इतना लंबा वाला। अगर एक्टिविटी क्रिएटर ने ट्रैफिक लगाया है ना भाई, कंट्रोलर का पता नहीं क्या होगा। चलो वो सब ठीक है भाई, कटक को तुम क्रॉस करो। अब कटक जंक्शन पे राजधानी को तुमने बहुत टाइम लगा दिया और मेरी एक्टिविटी में आई थिंक 25 और 10 कितना होता है 35, आधा घंटा, मतलब मुझे पता है 35 मिनट को आधा घंटा नहीं कहते हैं, मैं थोड़ा ट्रिम भी करूँगा ना वीडियो को तो वो आधे घंटे की हो ही जाएगी। तो भाई ये आधे घंटे में ना हमने 30 किलोमीटर कवर किया राजधानी से, अच्छी बात नहीं है। अरे यार देखो, कटक को क्रॉस करने के बाद आगे मैंने बताया था बहुत ही बड़ी नदी आती है एक, जो कि महानदी जिसे कहा जाता है। तो चलो यार उसे भी क्रॉस करेंगे। आगे कोई गाइस गाड़ी आ रही है। अरे यार थोड़ा सा मैं डिले हो गया यहाँ पे। अपनी ट्रेन अगर टाइम से निकली होती ना कटक से, इस ट्रेन के साथ बढ़िया वाला ना क्रॉसिंग लग जाता महानदी नदी के ऊपर। अब देखो उसके नाम में ही ना महानदी आ जाता है। अब किसी भी नदी का नाम लोगे तो आगे नदी तो लगाओगे ही एक बार के लिए बताने के लिए। अब उसमें दो बार नदी बोलते हैं ना, थोड़ा ऑड लगता है। और देखो कटक से निकलते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड पे
आई थिंक इंडियन ऑयल का प्लांट भी है यहाँ पे। पता नहीं गाइस ये रेलवेज के अंडर में आता है या किसके अंडर में आता है, ये आप मुझे बता सकते हो। और ये कोई LHB गाड़ी जा चुकी है कटक की तरफ, अपना डेफिनेटली प्लेटफॉर्म लाइन पे ये रुकेगी, कटक भी स्किप तो नहीं करेगी। आई थिंक इस पे स्लीपर कोचेस भी थे, जी हाँ देख सकते हो। 100% स्टॉप लगेगा ही लगेगा, क्रॉस तो कर ही नहीं सकती, स्किप नहीं कर सकती। सो गाइस यहाँ से भाई अपनी महानदी शुरू हो जाती है। देखो यार दूर तक जहाँ तक तुम्हारी नज़रें जाएंगी रेत दिखेगा, पानी दिखेगा, रेलवे लाइन दिखेगी, रेलवे लाइन वाले ब्रिज दिखेंगे और दूर में आपको वो सड़क भी दिख जाएगी। आगे से कोई गाड़ी आ रही है भाई, आज मेरे मज़े हैं। यार ट्रेन तुम ना जल्दी से 30 की लिमिट से बाहर आओ। अरे यार अभी भी बहुत सारे कोचेस बचे हैं यार, ये 30 का कॉशन ऑर्डर स्किप करने के लिए, 80 वाला जो लिमिट बोर्ड है उसको क्रॉस करने के लिए। बट भाई राजधानी क्या प्यारी लग रही है, और पीछे आप देख सकते हो महानदी का आई थिंक ये डैम भी है यार, बहुत ही बढ़िया सीन है भाई। चलो 60 का यहाँ पे कॉशन ऑर्डर मिला अपने को, 60 का यहाँ पे स्पीड लिमिट है, मुझे लगा 80 है। अरे यार अब मैं ट्रेन को देख रहा था, ये क्रॉसिंग थोड़ी सी मेरी दिक्कत हो गई, पैसेंजर भी पे इंजॉय करते यार। और गाड़ी भी बहुत ही बढ़िया है, ये देखो 12816 नंदन कनन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको नीलाचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत बढ़िया भाई, नंदन कनन से हमारी यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है महानदी रिवर के ऊपर। हाँ ये सही है, नदी भी आ रहा है और रिवर कह दो फिर, ये थोड़ा ऑड साउंड नहीं करेगा। वैसे यार अभी एक गाड़ी ने अराइव किया है कटक पे, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही हमने खाली किया है, ये देखो यार ट्रैक साइड सीनरी, अगर मैं छोड़ता हूँ और इधर आता हूँ तो डैम का व्यू देख सकते हो भाई। नीचे देखो ये पानी तो नहीं है, ये रेत है, बट कितना प्यारा टेक्सचर यूज़ किया गया है, असली में लग रहा है कि हाँ यार ये रेत है। अभी तक का ना लाइक वन ऑफ द बेस्ट रूट मुझे ये लगा है इन टर्म्स ऑफ ये जो रेलवे ब्रिजेस दिखाए हैं, ये नदियाँ जो दिखाई हैं। ऑनेस्टली भाई अनिमेक भाई ने ना मतलब टॉप नॉच वाला काम किया है इस रूट में, वर्थ इट है यार इस रूट को परचेज करना। मैं कह सकता हूँ कि हाँ वन ऑफ द सही डिसीजन था मेरा ये। अब सोचो अभी तो ये ऐसा काम कर रहे हैं अपने अनिमेक भाई, आने वाला जो स्ट्रेच होगा उसमें क्या क्या कवर होगा। बढ़िया यार, पता है इस जगह को कभी किसी एक्टिविटी में रेनी वेदर में क्रॉस करके देखेंगे, क्या पता उसमें महानदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो वाला मिल जाए, हो सकता है भाई। ये अनिमेक भाई का रूट है इसमें कुछ, ओ भाई बट एक्टिविटी मेरी है भाई, देखो ट्रैफिक देखने मिला है यहाँ पे, कोई मालगाड़ी जा रही है, कह रहा हूँ कंट्रोलर आज फॉर्म में है, भगाएगा गाड़ियाँ। तो चलो थ्रॉटल पावर बढ़ाते हैं, कंजूसी नहीं राजधानी चल रही है, 60 के लिमिट में 50 पे जा रही है, और आगे स्टेशन है केंद्रपारा रोड। बहुत ही प्यारा हॉर्न यहाँ पे वैप्सेवन अपना बजाते हुए। भाई सोचो यार महानदी पे 3 क्रॉसिंग हुई है फिर हमारी, 3 नहीं यार, वो जो स्टार्टिंग वाली ट्रेन थी उसे हमने ज़्यादा देखा नहीं था, नंदन कनन की तो इसके ऊपर ही हुई, उसी के पीछे मालगाड़ी चल रही है। ट्रैफिक बहुत सही है भाई, और चलो इस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हैं। यार इसको क्रॉस करने के बाद ना देखो 80 की लिमिट है और उसके बाद 100 की, आई थिंक ये 80 हमारी लास्ट होगी, इसके बाद प्रॉपर रन मिलेगा राजधानी को। तो चलो चलते हैं अपने पैसेंजर व्यू पे। थोड़ा भाई अपने ना मतलब इन्जॉय करते हैं अब रन को, बहुत मैं इधर से उधर भाग चुका हूँ अपने कैमरा को लेकर, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एक बार के लिए मैं कैब व्यू में जा सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ दिखाऊँ बढ़िया वाली, ये देखो कोच के अंदर देखोगे ना पूरा खाली हो रखा है यार इसके। गाइस अभी अपने वरुण गणेश भाई इंटीरियर लेके आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ऐसे ही रहेगा, मतलब अगर मैं इसके पैसेंजर व्यू में जाऊंगा ना तो हमें अंदर का जो इंटीरियर होता है कोच का वो देखने मिलेगा, एक्सटीरियर वाले ऐसे ही मिलेंगे हमें। ऐसे क्या रहता है पॉली काउंट कम रहता है और ग्राफिक्स में ना हमें FPS थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो भाई देख सकते हो
इसीलिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जो मॉडलर्स हैं, अपने हिसाब से A1 चीज़ दे रहे हैं और लोड ना पड़े आपके मशीन्स पर, इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा यार, यहाँ पे 80 की लिमिट है बट 82 पे गाड़ी जा रही है, कोई नहीं यार, इतना तो चलता है, जाने देते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है अपनी राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी। लग रहा है कि राजधानी चला रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ बस, अभी लगेगा। जैसे कि ये ब्रिज क्रॉस होगा ना, 110 की लिमिट मिलेगी। मज़े हैं भाई अपने। अच्छा यार, ये नदी का नाम लिखा हुआ था, मैं पढ़ नहीं पाया, आप बता सकते हो कौन सी है? और एक बात मुझे बहुत ही प्यारी लगी इस रूट क्रिएटर की, कि उन्होंने ना ब्रिजेस को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप ब्रिज साउंड को एंजॉय कर सकते हो, उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं, वरना ज़्यादातर मुझे अपनी साइड से लगाने पड़ते हैं। तो भाई आगे आ जाता है कोई रेलवे स्टेशन और 110 की भाई लिमिट मिल चुकी है। दोनों वेब 7 का आउटपुट लगाते हैं 50%, जो कि बन जाता है 100%। यार मुझे ये नाम ना अभी लगा था मोगली चौधरी, देखो क्या लिखा है, मंगोली चौधर लिखा है। ये भी पैसेंजर हॉल्ट है यार, इस सेक्शन में PH वाले रेलवे स्टेशन बहुत हैं। चलो एनीवेज क्रॉस करते हैं भाई स्पीड पे, अपने को क्या जाता है। तो भाई देख सकते हो राजधानी 90 की स्पीड अपनी मेंटेन कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है, क्या था, मंगोली चौधर। तो भाई देखते हैं अब हमारी अगली क्रॉसिंग गाइस किस ट्रेन की हो सकती है। सिग्नल मैं देखता हूँ यार, मेरा आखिरी वाला सिग्नल ये थोड़ा रेड येलो हो रखा है, ऐसा क्यों है भाई? मुझे कोई अनशेड्यूल्ड हॉल्ट नहीं चाहिए राजधानी पे, मैं पहली कह रहा हूँ, मैं धरने पे बैठ जाऊँगा। थोड़ी सी यार यहाँ पे पावर मुझे लग रहा डाउन करनी पड़ेगी, ग्रेडियंट पे गाड़ी जा रही है, मतलब ढलान पे जा रही है। ये आगे से गाइस कोई मालगाड़ी आ जाती है, WWDG 4D कोयले वाली मालगाड़ी, बॉक्सर नेचुरल फ्रेट ट्रेन है ये, और थोड़ी सी ब्रेक सप्लाई करनी पड़ेंगे यार। चलो भाई सिग्नल क्लियर होते जा रहे हैं। ये ऑटो सिग्नलिंग में ना थोड़ा यही फॉल्ट लगता है यार, थोड़ा डरा देते हैं यार अंदर से। और भाई ये देखो, यही है वो रेलवे स्टेशन जहाँ पे 10 का कॉशन ऑर्डर था रूट क्रिएटर की तरफ से, वो उनसे गलती से हुआ होगा। ये देखो किसी मालगाड़ी को गाइस हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस नहीं मतलब ओवरटेक कर रहा हूँ। नेलगुंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से क्रॉस हो रही है राजधानी, और भाई 100 की अंडर में यार, पावर बढ़ाओ। यहाँ पर गाइस ये वैगनाइन खड़ा है इस मालगाड़ी के साथ, बहुत कॉमन है यार, बहुत कॉमन है वैगनाइन और मालगाड़ी, पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉमन चीज़ में बोल रहा हूँ, इसका मैं अभी एग्जांपल सोच नहीं पा रहा हूँ माइंड में। सो गाइस अपना नेक्स्ट स्टॉप है जाजपुर क्योंझर रोड, आपको याद होगा मैंने शायद शताब्दी चलाई थी या इंटरसिटी, यार इंटरसिटी तो कहीं और से चलाई थी, आई थिंक शताब्दी थी, शताब्दी को मैंने इसी रेलवे स्टेशन से ऑपरेट किया था, और पता नहीं मैं कहाँ लेके गया था, आई थिंक बालेश्वर था क्या, बालासोरी तो बालेश्वर कहा जाता है, वहीं तक आई थिंक लेके गया था उसको शताब्दी को। राजधानी चला रहा हूँ ना यार बार बार, यार मेरे ना मुँह से फिर राजधानी का ही नाम निकल रहा है। चलो 110 की लिमिट है थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है भाई, पावर एकदम 110 के अंडर में, क्रूज़ कर रही है भाई राजधानी, अब आ रहा है मज़ा। आगे आ जाएगी 120 की लिमिट, कपिलास रोड रेलवे स्टेशन आगे आ रहा है। तो गाइस नो कंजूसी, फुल टू हॉन्किंग। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कोई मालगाड़ी लूप लाइन में लग रखी है, और भाई किसी ट्रेन को हम भी ओवरटेक कर रहे हैं। क्या तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो ये कौन सी ट्रेन हो सकती है जिसे हम ओवरटेक कर रहे हैं, बताओ यार कौन सी ट्रेन है। बहुत ही शानदार स्पीड के साथ ओवरटेक हुआ, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिली है, मतलब मालगाड़ी को तो लूप लाइन पे लगा रखा है। भाई कितनी सही लंबी मालगाड़ी है यार, देख रहे हो पूरे रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे फिट हो रखी है। चलो इस रेलवे स्टेशन के बाद राजधानी अपनी दमदार रफ्तार पे जाएगी, 120 की लिमिट मिल जाएगी तो 120 पर ही जाएंगे यार, 130 होता तो मज़ा ही अलग था।
एनीवेज अगर असली में नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जो इस रूट के क्रिएटर हैं वो ज़्यादातर ना रेप्लिका भाई बना रहे हैं इस रूट के अंदर। तो जैसा असली में होगा, कॉशन ऑर्डर अगर यहाँ पे 120 का है तो वो असली में भी 120 ही देंगे आपको रूट के अंदर। तो चलो थ्रॉटल पावर को थोड़ा बढ़ाएंगे, 120 की लिमिट है तो 118 पे तो जानी चाहिए गाड़ी। और भाई वेब 7, चलो यार तुम्हारी कैब व्यू में आता हूँ, बहुत टाइम से तुम्हें मैंने अकेला छोड़ दिया। तो हॉर्न बजा के चलते हैं, थोड़े तुम भी मज़े लो, थोड़े मैं भी मज़े लूँगा, पूरा इंजॉय करेंगे भाई राजधानी का रहने। कोई भी मुझे हादसा नहीं चाहिए आज की वीडियो में। यार कितना ताबड़तोड़ यहाँ पे गर्व है। चलो एक काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ, बाहर से इंजॉय करो ना यार ये वाला व्यू। फिर वो देखो पीछे तक अपनी राजधानी दिख रही है। वो भाई आगे गाड़ी आ चुकी है, बांगरीपोसी से पुरी के लिए जाने वाली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ICF गाड़ी है। यार लोको कौन सा था इसमें? गाइस लोको लग रखा है वैगन 9 है। 115 की रफ्तार पे जिंग हुआ है भाई। अच्छा इधर देखो, ट्रैक साइड पे थोड़ी सीनरी कम है ना, बस ऐसी जगह में यार थोड़ा सा ना मुझे मतलब सही नहीं लगता यार। ये ट्रैक साइड देखो बहुत ज़्यादा खाली हो रखा है, ये खाली पना ना मेरे को चुभता है यार, पता नहीं क्यों, गेम प्ले के टाइम। बट एनीवेज अगर पीछे देखोगे तो बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है। आगे कोई छोटा सा रेलवे ब्रिज आ जाता है। अच्छा इस नदी का भी नाम था भाई, 118 की रफ्तार पे जा रही है ट्रेन, तुम घंटा कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तुम तो पढ़ सकते हो, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो वीडियो को। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, रफ्तार नहीं मतलब थ्रॉटल पावर, कि जो मेरी प्रोजेक्टेड स्पीड है वो 120 के अंडर में रहे और 117 या 118 से 120 की मेंटेन करें। यार 100 की लिमिट कब आ गई? तुम भी ना यार पांडी जी ख्याल नहीं रखते हो। चलो आगे स्टेशन आ रहा है, पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी। बहुत ही प्यारा यहाँ पे सीनरी वर्क आई थिंक मुझे पीछे देखने मिला था, जो कि मैंने तो मिस कर दिया क्योंकि मैं ब्रेक लगाने पर ध्यान दे रहा था, बट तुम लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ये देखो यार यहाँ पर कुछ काम वाम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है ये और रेलवेज का ही काम चल रहा है। देखो ब्रिज यहाँ पे बन रखा है, मतलब ब्रिज बन नहीं रखा, रख रखा था, वो जो गेडर ब्रिज होता है, श्री क्या नाम है, झड़ेश्वर रोड। यार 100 की लिमिट थी, अब इतने भी ब्रेक्स नहीं लगाने थे। तुम जो काम करते हो ना अच्छे से ही कर देते हो। भाई ट्रैवलर जो भी होगा ना राजधानी में, वो भी सोच रहा होगा मैंने राजधानी में सफ़र के लिए टिकट कराया या गरीब रथ में जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप रेलवेज़ में देखोगे तो जो गरीब रथ ट्रेन्स होती हैं उनके लिए ना प्रायोरिटी में बहुत ही ये कंजूसी करता है रेलवेज़ कभी कभी। ज़्यादातर आपकी गरीब रथ बहुत डीले पर चलती है, कभी कभी रेयरली ऐसा चांस होता है कि वो ऑन टाइम चलेगी, अदरवाइज़ आधे घंटे का एक घंटे का डीले तो मिनिमम रहता है गरीब रथ के लिए। उससे ऊपर तो भाई फिर सोचो मत कितना लेके जाएगा वो। अच्छा चलो वो सब ठीक है। भाई सीनरी बहुत बढ़िया है यार, इधर इधर देखो थोड़ा ऊंची जगह पे है ना रेलवे ट्रैक, और पीछे जब ऐसा देखने मिलता सीन बहुत ही प्यारा लगता है यार। अब देखो यहाँ से ट्रैक साइड सीनरी गई, लगता है भाई चुभता है, मुझे भी नहीं तुम लोगों को भी चुभेगा। चलो इधर आ जाते हैं ट्रैक साइड पर। आगे ये जो रेलवे स्टेशन आ रहा है ना, इसकी तुम ऊपर पढ़ो ये क्या लिखा है, अब मैं इसे कैसे स्पेल आउट करूँ। सो गाइस राइट नाउ अपनी जो ट्रेन है वो बायरी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाली है, और ऑटो पायलट पे यार मैंने ट्रेन को अभी लगा रखा है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो वही मेरा जो सिस्टम में दिक्कत हो जाती है वही हो गई थी, बट भाई बाय गॉड ग्रेस इस बार मेरी जो फाइल्स हैं वो करप्ट नहीं हुई, तो मेरे पास मेरा बैकअप था, फाइनली भाई ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अभी वो सब ठीक है, मैंने पावर एकदम डाउन कर रखी है, और यार मेरी ना वीडियो की जो लेंथ है गाइस वो एक घंटा क्रॉस करने वाली है। अच्छा यहाँ पर देखो बायरी रेलवे, अच्छा बेरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हम किसी ट्रेन को ओवरटेक करके आ चुके हैं, ये कोई लूप हो रखी थी, कोई वैप 7 के साथ LHB गाड़ी थी। बेरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 1 और 2 उधर हैं, तो ये तीसरा और चौथा होगा, चौथे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। सो गाइस बेरी को क्रॉस करके आए हैं, अभी भी भाई देखो 120 की ही रफ्तार में मेंटेन कर सकता हूँ आराम से, कोई इशू नहीं है। तो थ्रॉटल पावर को बढ़िया वाली यहाँ पे मैं कर दूंगा। अरे यार बिना हॉन्किंग के मैं आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो चुका होगा,
मतलब ओवरटेक कर रहा था, मैंने हॉर्न नहीं बजाया यार। अब यार अचानक से मैं इतना सारा शुरुआत से करूँगा एक तरह से, तुम भूल जाता हूँ थोड़ी चीज़ें। तो भाई राजधानी देख सकते हो अभी किसी कर्क के ऊपर है, और यार वाइब्रेशन बंद हो चुकी है कोचेस में, तो चलो इसको ऑन करते हैं। क्योंकि यार जब तक ये ऑन नहीं होगा ना, जब तक कोच हिलेगा ढुलेगा नहीं, तब तक लगेगा ही नहीं कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो। और देखते हैं आगे से अब कौन सी ट्रेन अप्रोच कर सकती है। और देख सकते हो भाई ऑटो पायलट से ना मैंने पूरे भुवनेश्वर से बेरी तक का रन किया था। तो जब भी ऑटो पायलट पे आपकी ट्रेन चलती है, किसी स्टेशन पे आके रुक जाती है और डिपार्ट करती है, अगर आगे भी उसका शेड्यूल हॉल्ट्स है ना, तो आपको ये नेक्स्ट स्टेशन की विंडो में करंट डिले वाली ये जो लाइन होती है ना, वो आपको मिल जाती है। तो इस चीज़ में मेरे को AI मतलब ऑटो पायलट बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा आगे रेलवे स्टेशन है बरी थेनगढ़, और भाई बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग होने वाली है। 22895 हावड़ा से पुरी के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या बात है यार गाइस, बहुत ही शानदार क्रॉसिंग हमें यहाँ पर वंदे भारत की देखने के लिए मिल चुकी है। तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में अभी मुझे बताओ कि ये वंदे भारत की क्रॉसिंग आप सभी को कैसी लगी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन आएगा, क्या सीन होगा। अभी तो मेरे को 100 की लिमिट दिखाई जा रही है ट्रैक मॉनिटर में, आई डोंट नो क्यों है, डेफिनेटली कोई ब्रिज हो सकता है बड़ा सा, मतलब बड़ा सा क्या कोई नदी होगी मे बी, वरना इतनी स्पीड डाउन क्यों करवाई जाएगी। रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, देखते हैं यार अप्रोच करते हैं उस पर। 4 किलोमीटर पे भाई लाल सिग्नल दिख रहा है मुझे राजधानी के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है भाई। चलो क्लियर होता जा रहा है, ऑटो सिग्नल वाला सिग्नल है। अच्छा नीचे देखो अंडरपास बना हुआ है। इस रूट में भी ना यार बहुत ही बढ़िया वाइब्स आती हैं नो डाउट। ओ भाई 120 की लिमिट है, क्रॉस मत करो। सो गाइस थ्रॉटल पावर को मैं यहाँ पे पूरा ज़ीरो कर देता हूँ। बस यार एक चीज़ पता है जो मुझे दिक्कत लगती है इस रूट में, ये आप देखो ओवरहेड वाली ये जो मेरी OHE वायर्स है वो नहीं, वो जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल्स हैं और उसकी जो वायर है, उसकी वायर को ना इनको थोड़ा सा ब्लैक कलर में करना चाहिए। वो यार ग्रे कलर में है ना तो ठीक से दिखती नहीं है हमें, वो ब्लेंड इन हो जाती है यार स्काई के साथ, अगर आप नोटिस करोगे तो। वो डार्क कलर में होगी ना ब्लैक में तो ज़्यादा अच्छा सा मतलब सीनरी देगी अपने को। इस चीज़ पे कौन कौन एग्री करता है यार मेरे से, अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना। जो रूट क्रिएटर हैं उनके पास भी अगर फीडबैक जाएगा तो वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपना सीनरी। यहाँ पे 100 की लिमिट लग जाएगी और ट्रेन अपनी 100 के अंडर में आ चुकी है। सीरियसली गाइस इतना प्यारा रन मिल रहा है ना राजधानी के साथ। और देखो हमारा जो जाजपुर कियोंजर रोड है वो 40 किलोमीटर बाकी है। अब मैं इसको यार पूरा तो कवर नहीं कर पाऊँगा, आगे मेरा जो भी रेलवे स्टेशन आएगा, जो भी मेन सीन होगा या क्रॉसिंग होगी, कोई भी रेलवे स्टेशन होगा उसको क्रॉस करने के बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। क्योंकि यार 1 घंटे का गेम प्ले हो जाएगा, मुझे भी अपलोड करने में इशू होगा अगर ज़्यादा मैं लंबी ड्यूरेशन रखता हूँ। ज़्यादातर आप जो मेरी वीडियोज़ देखते हो और देखना पसंद करते हो वो 50 से 55 मिनट के हों, तो आराम से देखते हो, मज़े से देखते हो। 1 घंटे वाली में यार थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है। अच्छा ये आगे का इस कोई रेलवे स्टेशन है, और पीछे यार बहुत ही बढ़िया सा देख रहे हो पहाड़ भी देखने के लिए मिल रहा है, और आई थिंक बढ़िया वाला रेलवे स्टेशन है यार। यहाँ देखो यहाँ कोई मालगाड़ी खड़ी है अंदर की साइड, एक अंदर यार बढ़िया वाला गुड्स के लिए लूप बना रखा है, और यहाँ ये मालगाड़ी हम ओवरटेक कर रहे हैं और हम सफ़र को किसी लूप करवा रखा है। तो भाई एक्शन यहाँ बढ़िया है, फुल टू हॉन्ग करके चलते हैं। आगे से कोई गाड़ी आ रही है, ये कौन सी ट्रेन है, ओ भाई कोई ICF गाड़ी हम सफ़र को ओवरटेक कर रही है, ये क्या सीन कर रखा है यहाँ पे। चलो हम तो ये मालगाड़ी को ओवरटेक करके आ गए। तो गाइस ये रेलवे स्टेशन है धनमंडल रेलवे स्टेशन है, भाई सीन बहुत ही बढ़िया हो चुका है यहाँ पे। देखो मालगाड़ी को ओवरटेक करके आए हैं और हम सफ़र को किसी ICF ट्रेन ने ओवरटेक कर दिया। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम सभी ने इन्जॉय किया हो। अगर इन्जॉय किया हो तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी ट्रेन के ऊपर देखना चाहोगे वो आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको बना पाऊँ। सो गाइस अपना ख्याल रखो, मेरी वीडियोस देखते रहो, बी सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। नाउ अब मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।